चलिए बच्चे, आज मैं रसखान कवि के जीवन परिचय के बारे में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेटा, रसखान जाति के पठान थे। इनका जन्म प्रेमवाटिका, इनकी एक रचना है, प्रेमवाटिका के अनुसार 1610 ईस्वी में माना जाता है। ये दिल्ली के पठान जाति में उत्पन्न हुए थे। जब मुगलों का आधिपत्य दिल्ली पर जब हुआ, तो पठान जो हमारे रसखान थे, वहाँ से भागकर श्री कृष्ण के ब्रज भूमि में आए। वहाँ पर से आ करके दिल्ली से, जब दिल्ली पर मुगल वंश लोग कहते हैं, जैसे जहांगीर, मुगल वंश जहांगीर से भी भेंट हुई थी, लेकिन मुगलों का जब आधिपत्य हुआ तो उस समय ये दिल्ली से श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में आए और वहीं पर आकर के भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके जो हैं आस्था, राधा एवं कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण, उनके युगल रूप का चित्रण इन्होंने किया। इनकी दो रचनाएं आज भी मशहूर हैं, प्रेम वाटिका है एवं सुजान रसखान है। ये आज हमारे रसखान जो हैं भगवान कृष्ण के प्रति दोहों का अवलोकन किए, जिसमें एक सवैया और एक दोहा। आज भी रसखान हिंदू संप्रदाय में होते हुए भी मुस्लिम संप्रदाय में होते हुए भी, मुस्लिम धर्म को मानते हुए भी इन्होंने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, भगवान कृष्ण को अपना इष्ट के रूप में, राधा एवं कृष्ण के सौंदर्य रूप का चित्रण इन्होंने अपने रचनाओं में किया है। इस तरह से इनका जीवन परिचय हमें देखने को मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।